किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग वेदर भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? हिंदी। और अब क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि मैम आपको बार बार बता रही है, तो आज हम लोग करेंगे हिंदी का रिविजन। तो हमारे सिलेबस में जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, वो आएंगे हमारे व्यंजन और आएंगे हमारे दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्ण वाले बिना मात्रा के शब्द। ओके, आपको बनाने के लिए शब्द आएंगे, पहचानने के लिए शब्द आएंगे, पिक्चर्स आएंगे जिनको देखकर आपको लिखना है कि वो क्या है। तो इस तरीके से हमारे लिए आएंगे वर्ण वाले शब्द, दो तीन चार वाले और उसके अलावा व्यंजन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे व्यंजन। आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे व्यंजन और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे शब्द। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से एक बार सारे व्यंजन जो है उनको देख लेते हैं। ये देखिए मैम ने यहाँ पर सारे व्यंजनों को लिखा हुआ है। अभी हम लोग एक बार व्यंजन पढ़ेंगे और अभी मैम आपको पिक्चर्स के थ्रू जिस तरीके से आपको इंग्लिश में बताया था कि किस लेटर से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, उसी तरीके से हम लोग अभी हिंदी में देखेंगे एक एक व्यंजन के कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई पिक्चर आपको सामने आए तो पहचान सको कि किस वर्ड की है। ठीक है, चलिए सो रिवाइज करते हैं हम लोग। क ख ग घ ण च छ ज झ ङ त ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अब हम लोग जो देखेंगे वो होगा कि क से कबूतर, कबूतर के अलावा और क्या क्या हो सकता है। क से कबूतर तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके अलावा क्या क्या शब्द बनते हैं ये हम आपको दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। ओके, तो चलिए हम लोग हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग पिक्चर्स की हेल्प से देखेंगे कि कौन कौन से शब्द एक एक वर्ड से बनते हैं। ओके, तो सबको अच्छे से समझ आ गया, तो शुरू करें फटाफट से। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शब्द बनेंगे एक एक वर्ड से। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे पिक्चर्स की हेल्प से कि किस वर्ण से कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे कि हमारे सामने है क से कबूतर, तो क से कलश, क से कमल, क से करेला, क से कछुआ, क से कटहल, क से कबूतर, क से कद्दू, क से कलम। फिर आता है हमारा ख, ख से खरगोश, ख से खजूर, ख से खरबूजा, ख से खटमल, ख से खटिया, ख से खड़ाऊ। ग से गहना, ग से गणेश, ग से गठरी, ग से गड्ढा, ग से गन्ना, ग से गधा। घ से घड़ियाल, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ी। और अण क्या होता है हमारा? खाली। तो ये हमारा हो गया खाली। फिर आता है हमारा च, च से चकला, च से चरखा, च से चटाई, च से चम्मच, च से चप्पल, च से चमेली। छ से छतरी, छ से छत्ता, ये बी का छत्ता है ना, छ से छप्पर, छ से छड़ी, छ से छलनी, छ से छत और छ से छल्ला। ज, छ के बाद आता है ज, ज से जड़, तो ये पेड़ की जड़ है जो कि मिट्टी के नीचे दबी हुई होती है। ज से जड़, ज से जग, ज से जहाज, ज से जलपरी, ज से जल और ज से जगमग। झ, झ से होता है झरना, झ से झरोखा। तो आप लोग देख रहे हैं झरोखा कैसा होता है, ये छोटा सा एक वो बना हुआ होता है होल टाइप का, विंडो टाइप की, इसको कहते हैं झरोखा। झ से झमझम, पानी बरसने की आवाज जो होती है वो होती है झमझम।
और झ से, ये देखिए दोनों जने कैसे झगड़ा कर रहे हैं, सो ये होता है झ से झगड़ा। फिर आता है हमारा ट, ट से टपकना, पानी जब टपकता है तो वो हुआ हमारा ट से टपकना। ट से टमटम, जो हमारी घोड़ा गाड़ी होती है हम उसे कहते हैं टमटम। ट से टट्टू, ठीक है। ट से टब, ट से टखना, यानी कि हमारी जो पैर की एंकल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टखना हिंदी में। और ट से टमाटर, रेड रेड टमाटर। ठ, ठ से ठहाका, मतलब जोर जोर से जब हंसते हैं तो उसे कहते हैं ठ से ठहाका। ठ से ठग, मतलब जो चोरी करके ले जाता है उस चोर को हम लोग ठग भी कहते हैं, है ना। यानी कि कोई हमें बेवकूफ बना के हमारा सामान उठा के ले जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ठग। ठ से ठप्पा, ठप्पा मतलब किसी भी चीज का निशान। ठ से ठठेरा, जो बर्तन बनाने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं ठठेरा। ड से डमरू, ड से डलिया, ड से ड्रम। ड्रम किस चीज का हो सकता है, बजाने वाला ड्रम भी हो सकता है ना। और ये देखिए ऑयल का भी ड्रम हो सकता है और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है ड्रम, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों पिक्चर्स दी हुई है, हम इसे भी ड्रम कहेंगे, इसे भी ड्रम कहेंगे और ये तो ड्रम होता ही है ना। और क्या होता है, ड से डब्बा, डब्बा मतलब हमारी ट्रेन का कंपार्टमेंट, तो वो होता है हमारा डब्बा। और हम लोग टिफिन का डब्बा भी हो सकता है ना। तो ये होते हैं हमारे ड से बनने वाले शब्द। ड के बाद में आता है ढ, ढ से होती है हमारा डफ, फिर ढपली और ढक्कन। तो देखिए अलग अलग तरीके के ढक्कन दिए हुए हैं। त, त से होता है तकिया, पिलो। त से तलवार, त से तराजू, त से तपस्वी, त से तरकश। हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में तरकश की पिक्चर से बना लिख के भी देखा था ना, त से तरकश। थ, थ से होते हैं थन, थ से थर्मस, थ से थपकी, थ से थकान। जब हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो होता है हमारा थकान। द से दस, द से दवा, द से दरवाजा, द से दही और द से दवात। ध, ध से होता है धमाका। जब हम लोग दिवाली पर चलाते हैं पटाखे तो क्या होता है, जोर जोर से होते हैं धमाके। ध से धरती, जहां पर कि हम लोग रहते हैं और ये हमारे प्लैनेट का नेम भी है। ध से धतूरा, ध से धब्बा, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर स्पॉट बन जाते हैं तो वो कहलाते हैं धब्बे। ध से धनुष। न, न से नल, न से नट, न से नदी, न से नथ और न से नकेल। ये देखिए इसकी नाक में पिनाई हुई है ना, इसको कहते हैं नकेल। प से पपीता, प से पहाड़, प से पलंग, प से पतंग, प से परछाई मतलब हमारा शेडो और प से पत्ता। फ से फल, फ से फन, फ से फरारी, फ से फफोला, जब कहीं जल जाता है तो पड़ जाता है फफोला। और फ से फटा, मतलब जब पेज फट जाता है, कपड़ा फट जाता है तो हुआ फ से फटा। ब से बस, ब से बतख, ब से बच्चा, ब से बर्फ, ब से बटन और ब से बग्घी। भ से भवन, भ से भस्म, भ से भवानी, भ से भगत, भ से भजन और भ से भरना। म से मयूर मतलब कि मोर, म से मगर क्रोकोडाइल, म से मक्का, म से मकड़ी स्पाइडर, म से मक्खी और म से मशीन। म से मटका, म से महल, म से मक्खन, म से मटर, म से मछली। य से यज्ञ, य से यशोदा, जो कि भगवान कृष्ण की मदर थी, और य से यमराज। र से रस्सी, र से रस, र से रबड़, र से रसगुल्ला, र से रथ। ल से लट्टू, ल से लकड़बग्घा, ल से लक्ष्मी, ल से लहंगा, ल से लड्डू,
ल से लड़की, ल से लहसुन, ल से लकड़ी, और ल से लकड़ा भी होता है। व से वड़ा, व से वकील, व से वक, व से वट, और व से वन। श से शकरकंदी, श से शरीफा, श से शहनाई, श से शलगम, और श से षटकोण। स से सड़क, स से सपेरा, स से समोसा, स से सर्कस, स से सवार, स से समुद्र, और स से सरिया। ह से हलवाई, ह से हरा, ह से हल, ह से हवाई जहाज, ह से हवा, ह से हथौड़ा, ह से हनुमान, और ह से हथेली। क्ष से क्षत्रिय, त्र से तृण और त्रिशूल, और ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे सारे व्यंजन सीख लिए हैं। तो आज आप सभी बच्चे भी इन सबको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू किड्स, एंजॉय योर डे, बाय।